का मकसद दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। दो बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या-क्या सरकार की नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी काल को विड्रा करें, वापस लें अपनी काल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर या हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, हल तो बातचीत कर। सरकार तैयार है, सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? सर, बॉर्डर पर स्थिति कैसी, क्या रिपोर्ट आपके पास आई है? नहीं, बॉर्डर्स पर कोई बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो सर लगातार कह रहे हैं कि मध्यस्थता की है हमने, तो ऐसे में केंद्र सरकार को जो है वो किसानों की मांगे जो है वो मान लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा बातचीत करने से ही होता है और बातचीत सरकार कर रही है, सरकार कहीं भी बातचीत से भागी नहीं है। हाँ, मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत आगे भी चल सकती है, बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, पर अब समय सीमा रख के करना। और कर्ज माफी के ऊपर किसान नाराज थे कल की बात। देखिए, ऐसा है, ये तो जो लोग बातचीत में शामिल हुए वो ही सही स्थिति बता सकते हैं। सर, जो अराजकता फैलाई पुलिस ने कहा था सर, कार्रवाईयों का मकसद दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। दो बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। स्थिति को संभालने के लिए क्या-क्या सरकार की नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी काल को विड्रा करें, वापस लें अपनी काल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर या हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, हल तो बातचीत कर। सरकार तैयार है, सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? सर, बॉर्डर पर स्थिति कैसी, क्या रिपोर्ट आपके पास आई है? नहीं, बॉर्डर्स पर कोई बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो सर लगातार कह रहे हैं कि मध्यस्थता की है हमने, तो ऐसे में केंद्र सरकार को जो है वो किसानों की मांगे जो है वो मान लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा बातचीत करने से ही होता है और बातचीत सरकार कर रही है, सरकार कहीं भी बातचीत से भागी नहीं है। हाँ, मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत आगे भी चल सकती है, बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, पर अब समय सीमा रख के करना। और कर्ज माफी के ऊपर किसान नाराज थे कल की बात। देखिए, ऐसा है, ये तो जो लोग बातचीत में शामिल हुए वो ही सही स्थिति बता सकते हैं। सर, जो अराजकता फैलाई पुलिस ने कहा था सर।